हौसला रख, एक समय ऐसा जरूर आएगा, हौसला रख, एक समय ऐसा जरूर आएगा कि घड़ी दूसरे की होगी और समय तेरा बताएगा। जी हाँ, क्या तुक्का मारना भी एक टेक्निक है? जी हाँ, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि तुक्का मारना तुक्का होता है। जी नहीं, एक साइंटिफिक मेथड है, रिसर्च है, मेथोडोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप तुक्का मारते हैं, देर आर हाई प्रोबेबल चांसेस कि आपके आंसर सही हो सकते हैं। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को छोड़ देते हैं बिकॉज वो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर अटेम्प्ट किया तो शायद उनके नेगेटिव मार्किंग के कारण जो है मार्क्स चले जाए। तो ऐसा क्या किया जाए, ऐसी क्या टेक्निक है कि जो हमें क्वेश्चंस नहीं आते उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट किया जा सकता है, उनके लिए भी तुक्का मारा जा सकता है। शुरुआत से लेके आखिरी तक ये सेशन को जरूर देखिएगा ताकि आप कुछ मिस ना कर जाएं, क्यों? क्योंकि अगर आपने एक कड़ी से दूसरी कड़ी को नहीं जोड़ा तो शायद आप बीच में से चीजें मिस कर जाएंगे। देखिए, शुरुआत जो है, सबसे पहली जो स्टार्ट होती है जब आप तुक्के की बात करते हैं, तो आपको एक स्ट्रेटेजी है जो बहुत अच्छे से फॉलो करनी पड़ेगी, एंड दैट इज नेवर फॉलो द सीक्वेंस। जी हां, ऐसे जैसे आपको पेपर मिलता है उस पेपर को सेट ही इस तरीके से किया जाता है कि अगर आप सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो देर आर हाई प्रोबेबल चांसेस कि आपके साथ एग्जामिनर आपके माइंड गेम खेल जाएगा। जी हां, हमेशा एग्जामिनर कोशिश ये करता है कि शुरुआती के जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो टफ रखे जाते हैं और आखिरी के कुछ क्वेश्चंस टफ रखे जाते हैं, सो दैट जब आप सीक्वेंस में सॉल्व करने लगेंगे तो वो आपके माइंड गेम खेला जाए, आपके साथ आपको डीमोरलाइज किया जाए। इसलिए सीक्वेंस में मत जाइए, आपको जो सेक्शन बेटर लगता है, जिस सेक्शन में आप स्ट्रांग है, प्लीज पिकअप दैट सेक्शन। क्यों? क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के अंदर सीक्वेंस के नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिलते हैं, आपको मोस्ट ऑफ द मोस्ट करेक्ट क्वेश्चंस के ही नंबर मिलते हैं। तो टेक योर बेस्ट सब्जेक्ट जो आपका सबसे स्ट्रांग है वहां से स्टार्ट कीजिए, और उसमें भी पहला, दूसरा और तीसरा स्टेज मैं ये सारी टेक्निक जो है पूरी एक प्रॉपर चीजों के थ्रू बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहली टेक्निक, दैट इज डोंट फॉलो द सीक्वेंस। दूसरी टेक्निक क्या है? दूसरी टेक्निक है फॉलो द स्टेजेस। क्या स्टेजेस होंगे जिनको आपको फॉलो करना है? देखिए, आपकी स्क्रीन के सामने है तुक्का लगाना है या नहीं, इसमें दो कंडीशंस हैं। पहली, क्या आपके एग्जामिनेशंस के अंदर नेगेटिव मार्किंग है या फिर क्या आपके एग्जामिनेशंस के नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दो कंडीशंस हैं। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर तो कुछ रोकने की आपके पास में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप तुक्का ना लगाएं, आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही चाहिए। लेकिन व्हाट इफ देयर आर कंडीशंस जहां पे आपकी नेगेटिव मार्किंग हो? मैं बात करता हूं आपके सामने अभी क्लैट की और मैं बात करूंगा आपके सामने सीयूईटी की। इन दोनों एग्जामिनेशंस के लिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप क्लैट का एग्जाम दे रहे हैं तो 0.25 मार्किंग है आपकी, मतलब अगर आप चार गलत क्वेश्चन करते हैं तो आपका एक सही भी जो है वो जीरो हो जाता है, मतलब 1:4 चल रहा है, मतलब चार गलत पे आपका एक सही खराब होता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी को कैसे बचाया जा सकता है और कैसे हम बेसिकली एडवांटेज उठा सकते हैं इस नेगेटिव मार्किंग का? बिकॉज नेगेटिव मार्किंग जो क्लैट का पैटर्न है, प्लीज समझिएगा, क्लैट का पैटर्न जो है ये नेगेटिव मार्किंग बेसिकली इस चीज के लिए नहीं है कि आप जो है नेगेटिव मार्किंग से फायदा उठाएं, बेसिकली ये इसलिए है कि आपको नेगेटिव मार्किंग के थ्रू जो है घाटा तो ना हो लेकिन आपको प्रॉफिट भी ना हो, इस तरीके का कुछ ये जो बेसिकली यू नो पैटर्न रखा गया है। अब देखिए, अगर आपके पास में क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 है, अगर आप इसमें से चारों को अटेम्प्ट करते हो और ये चारों आपको बिल्कुल नहीं आते, आपका बिल्कुल एकदम टंटन गोपाल है इसके अंदर, आपको कुछ नहीं पता इन चारों क्वेश्चंस का कि क्या क्वेश्चन और क्या आंसर होने वाला है। अब सिचुएशन लेते हैं हम, तो देखिए अब चार क्वेश्चंस में चार ऑप्शंस हैं, तो क्या हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर आपने इन चारों को अटेम्प्ट कर लिया, इन चारों को आपने अटेम्प्ट कर लिया तो देर आर हाई प्रोबेबल चांसेस कि आपका एक सही होगा और आपके तीन गलत होंगे, राइट? सो आपके तीन गलत होने पे कितने मार्क्स जाएंगे? 0.75, और आपका एक सही होने पे कितने नंबर मिलेंगे आपको? एक नंबर मिलेंगे। इसका मतलब आप अगर जाओगे ओवरऑल के अंदर तो +2.5 आपके मार्क्स बनते हैं, मतलब विन विन सिचुएशन है आपकी, विन विन सिचुएशन है। ये देखिए, ये चीज मैं समझाना चाह रहा था कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो बेसिकली आपके लिए ऐसी नहीं है कि आपके मार्क्स कटवाए जाएं, बेसिकली नेगेटिव मार्किंग इसलिए है ताकि आपको उसका फायदा ना पहुंचे, लेकिन आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अब क्या चांसेस हैं कि ये 1 सही हो और 1 की जगह बेसिकली 2 सही हो जाएं इसमें से और 2 गलत हो जाएं, तो आपको बेसिकली 1.50 का फायदा हो जाए। ये पूरा का सेशन मेरा इस चीज के ऊपर फोकस्ड है, तो ध्यान दीजिएगा, आपके सामने जो मैं अब बताने वाला हूं उस पे बहुत फोकसफुली ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहां पे मैंने 3 स्टेजेस के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। देखिए, सबसे पहला स्टेज क्या है, वहां पे आपको जज करना है, प्लीज एकदम गौर से सुनिएगा, ध्यान से,
पहला स्टेज है आपका। फर्स्ट स्टेज के अंदर आपको सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है। फर्स्ट स्टेज का मतलब यह है कि आपको 100% श्योर हो कि यह क्वेश्चन मुझे आता है। देखिए, स्टेज वन में आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिसके लिए आप 100% श्योर हैं, ठीक है। स्टेज टू के अंदर कौन से कंडीशंस आती हैं, जहां पे आप 50-50 हैं, जहां पे आप 50-50 हैं कि मुझे लगता है कि ए बी सी और डी में से मैंने ये तो पता कर लिया कि या तो ए करेक्ट है या फिर सी करेक्ट है। आप इस सिचुएशन में है, ऐसे क्वेश्चंस को आप स्टेज टू के अंदर अटेम्प्ट करेंगे। और स्टेज थ्री कौन सा है, स्टेज थ्री वो स्टेज है जहां पे आपको 0% पता है कि इसका आंसर क्या होगा। ये तीन स्टेजेस के अंदर आप अपने एग्जामिनेशंस को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो देयर आर हाई प्रोबेबल चांसेस कि आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे और लोगों से बेटर मार्क्स अचीव कर पाएंगे, और ऐसा ही कुछ टॉपर्स करते हैं, ठीक है। चलिए, अब इन स्टेजेस में क्या करना है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, वो चीज मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहली ट्रिक आपको क्या करनी है, सबसे पहली ट्रिक देखिए, ये मैं आपको रिसर्च के थ्रू बता रहा हूं, साइकोलॉजिकली और प्रूवन। आप चाहो तो आप इसको बेसिकली यूज करके देख सकते हैं, आप अपने मॉक्स के थ्रू, आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू, आप वहां पे देखिएगा। जब भी आपको ये ऑप्शन मिलता है ऑल ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव, जब भी आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं दो ऑप्शंस, तो देयर आर हाईली 95% प्रोबेबिलिटी, 95% की प्रोबेबिलिटी है कि ऑल ऑफ द अबव क्या है, आपका करेक्ट आंसर होता है। ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर होता है, और नन ऑफ द अबव सिर्फ 5% चांसेस होते हैं कि नन ऑफ द अबव आपका आंसर होता है। आप चाहे तो इसको टेस्ट करके एक बार जरूर देख ले। ये मेरी पहली टेक्निक है। जब आप थर्ड स्टेज में हैं, जहां पे आप ये देख रहे हैं कि शायद मुझे कुछ नहीं आता है, अब मुझे आंसर्स देने हैं, तो अगर आपको वहां पे ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन मिल जाता है तो आप इसको ट्राई जरूर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। फर्स्ट थिंग, आगे बात करता हूं कि सेकेंड ट्रिक क्या है। देखिए, सेकेंड ट्रिक बहुत ही ट्रिकी है। ये मेथड अगर आपने अपना लिया तो आप वैसे भी थर्ड स्टेज से सीधा सेकंड स्टेज आते हैं। देखिए, इस ट्रिक में क्या कर रहा है, आपने बेसिकली अपना सपोज 120 क्वेश्चंस आपके क्लैट में आने वाले हैं, आपने 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके हो, जो कि आपको पता है कि आपने अपने बेस्ट ऑफ बेस्ट दे दिया है। अब आपके पास में 40 क्वेश्चन है बेटा। अब देखिए, 40 क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, और अगर इन 40 क्वेश्चन के अंदर अगर आपके 30 क्वेश्चन गलत होते हैं और आपके 10 क्वेश्चन सही होते हैं, तो 10 क्वेश्चंस पे आपको 10 मार्क्स मिलेंगे और 30 क्वेश्चन जो आपके गलत होंगे, तो 30 क्वेश्चंस का मतलब 1/4। फॉर एन एग्जांपल, मैं आपके लिए एक वेग एग्जांपल ले रहा हूं, आपके 9 नंबर यहां से कट जाते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, विन विन सिचुएशन ये है कि आपने 40 अटेम्प्ट करने पे भी आपको एक नंबर मिल रहा है। दिस इज द वेग कंडीशन। अब इस प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना कैसे, आप देखिएगा, आपके सामने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, 3, 4 एंड 5। आपके पास ऑप्शन है ए बी सी और डी। अब एलिमिनेशन में क्या करना है, सबसे पहले तो आपको उन ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है जो कि आपको डायरेक्टली दिख रहे हैं कि ये तो बिल्कुल ही गलत होंगे, और इतना आप इस लेवल तक आप पहुंच भी जाते हो। आप अगर बेस्ट तुक्का जो है, तुक्के की बेस्ट टेक्निक बता रहा हूं, कि आप एक क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शंस के अंदर आप कोई भी एक ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर जाते हो, 4 में से एक तो 100% आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कि ये तो बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस है भाई, इसका तो कोई सेंस ही नहीं है इस ऑप्शन के अंदर। तो जब आप एक एलिमिनेट कर देते हो, अब सोचिए आपके पास में कितनी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। जैसे जैसे आप एलिमिनेशन की तरफ बढ़ेंगे, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर बढ़ता जाएगा। जब आप 4 के अंदर प्रोबेबिलिटी देखते हो तो आपकी 25% प्रोबेबिलिटी थी करेक्ट होने की, राइट, 1/4 प्रोबेबिलिटी थी आपकी। लेकिन अब जब आपने एक ऑप्शन को डिलीट कर दिया है, अब आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 33.33% प्रोबेबिलिटी होगी कि आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। एंड अगर आप एक और ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, मैं एक सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूं कि अगर आपने एक और ऑप्शन, आपको लगता है कि ये भी नहीं होगा, नाउ यू हैव 50-50% की प्रोबेबिलिटी। चलिए, अब इसके अंदर से और एक बेहतर चीज बताता हूं। देखिए, मोस्टली ये टेस्टेड एंड डस्टेड टेक्निक बता रहा हूं मैं आपको, कि क्या होता है यूजुअली, जब एग्जामिनर एग्जामिनेशन जब सेट करता है, तो वो एक कोशिश जरूर करता है कि ऑप्शन ए जो होता है यूजुअली ये आंसर नहीं होता है, यूजुअली ऑप्शन ए को आंसर के तौर पे नहीं रखा जाता है। ये सारी की सारी चीजें साइंटिफिकली प्रूवन है और इनको बहुत सारे बच्चों पे अप्लाई किया गया है, और उसके बाद में मैं आपके सामने ये चीज रख रहा हूं। तो प्लीज, ये मैं ये नहीं कह सकता कि दिस इज नॉट एट ऑल गारंटेड, बट यू कैन ट्राई इट इन योर मॉक टेस्ट। आप अपने मॉक टेस्ट के अंदर इसको ट्राई जरूर करके देखिएगा, अगर आपको इसका एडवांटेज मिलता है देन प्लीज ट्राई इट इन योर एग्जामिनेशन, आपको जरूर फायदा मिलेगा, ठीक है। आप यूजुअली देखेंगे कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर नहीं होता है। अब बात करते हैं, आपके पास में बच गए बी एंड सी एंड डी। मैं यूजुअली आपको बता रहा हूं कि आपके जो आंसर्स होते हैं,
आंसर्स जो होते हैं वो बी और सी के ऊपर आके अटकते हैं यूजुअली, कि या तो बी होगा सी होगा। जब क्लैट की बात करते हैं तो क्लैट के अंदर ऑल्टरनेट चलता है, ए होगा यस तो बी होगा नो, सी होगा यस तो डी होगा नो, ठीक है। आप यहां पे ऑल्टरनेटली होते हैं, या तो ए सही होता है या फिर सी सही होता है, ठीक है यूजुअली। लेकिन अगर आपके सामने ऐसा आ जाता है कि यहां पे नो है और यहां पे यस है और यहां पे नो है, तो आपके पास में बी और सी के पास में ऑप्शंस ज्यादा दिखेंगे। मैं सिर्फ लीगल रीजनिंग को छोड़ के अदर ऑप्शंस की बात कर रहा हूं। अगर आपके पास में पांच सब्जेक्ट हैं, पांच में से एक लीगल को छोड़ दीजिए, बाकी जो चार सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर आप देखेंगे कि बी और सी के अंदर से मोस्ट प्रोबेबली आंसर्स आपको देखने को मिलते हैं। और जब भी बी और सी में आप अटक जाओ, बी और सी में अटक जाओ कि बी और सी में से कोई एक आंसर है, अगर आपने ए को और डी को एलिमिनेट कर दिया है, ए और डी एलिमिनेट कर चुके हैं, बी और सी में अटक गए हैं, तो मेरा तुक्का मारने का तरीका यह कहता है कि मोस्टली करेक्ट आंसर बी होता है। मोस्टली करेक्ट आंसर क्या होता है? बी होता है। आप इसको बिल्कुल ट्राई करके अपने मॉक टेस्ट में जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला मेथड दैट इज एलिमिनेशन, आपको एलिमिनेट करना है। अब दूसरा ऑप्शन है एक्सट्रीम ऑप्शंस। क्या कहना चाहता हूं मैं सर, क्या कहना चाहते हो एक्सट्रीम ऑप्शंस? एक्सट्रीम ऑप्शंस का मतलब यह है कि सपोज आपके सामने क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन को मैं डिजिट्स के अंदर बताता हूं, ठीक है, डिजिट्स के अंदर बताता हूं, उसको आप अपने किसी भी एग्जामिनेशंस के अंदर उस एग्जामिनेशंस के अकॉर्डिंगली अप्लाई करके देखना। सपोज कोई भी एक चीज आया कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी, आपके सामने ऑप्शन है, आपके सामने ऑप्शन है जीरो होगी, या फिर आपके सामने ऑप्शन है 22 होगी, या फिर आपके सामने ऑप्शन है 28 होगी, या फिर 108 होगी। ऐसे ऑप्शंस आपके पास में है, ठीक है बेटा। अब देखिए ये जो 108 है ये एक्सट्रीम वैल्यू है, ये एक्सट्रीम वैल्यू आ रही है इस ऑप्शन के अंदर। देयर आर हाई प्रोबेबल चांसेस कि 108 आंसर नहीं हो सकता, और जीरो भी एक्सट्रीम वैल्यू है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो बेटर ऑप्शन क्या होगा आपके पास में, या तो 22 या फिर 28 जो है वो हाईली प्रोबेबल चांस होगा कि ये इन दोनों में से कोई एक करेक्ट आंसर होगा। अब इसी के अंदर एक और चीज बताता हूं एक्सट्रीम के अंदर। कई बार क्या होता है, दो ऑप्शंस एक जैसे होते हैं, ठीक है, दो ऑप्शंस एक जैसे कैसे होंगे, जैसे सपोज फॉर एन एग्जांपल यहां पे आंसर आ गया आपका 3 और एक ऑप्शन है आपका -3। ये देखिए ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम है, ऑप्शन मैं एक्चुअली के लीगल के और क्लैट के पेपर के क्वेश्चंस में लाके यहां पे समझा नहीं सकता, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट के अंदर समझा रहा हूं ताकि आप मेरी ट्रिक समझ सकें। वैसे ही आपको ऑप्शंस आपके क्लैट में दिखाई देंगे यस एंड यस, समझ रहे हो, तो यहां ही पे अटकाया जाता है ना, यूजुअली यहीं पे अटकाया जाता है। वैसे ही अगर आप बात करोगे और किसी भी सब्जेक्ट की अपार्ट फ्रॉम योर लीगल रीजनिंग, तो आपको दिखाई देगा कि आपके पास में ये जो दो ऑप्शंस हैं इसमें आपको फंसाया जाएगा, इसके अलावा जो ऑप्शंस आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो, देयर आर हाईली प्रोबेबल चांसेस कि आपको इन दोनों में से ही एक ऑप्शन मिलेगा जिसको आप चूज कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं टेक्निक और ट्रिक नंबर 3। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो कि निश्चय बैच हमारा परचेज नहीं किया है, तो शायद आप अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हैं, बिकॉज 23rd of November से हमारा बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और 2024 का जो हमारा टारगेट है जैसे हमने लास्ट ईयर किया है, मोर देन 350 स्टूडेंट्स के सिलेक्शन हुए और अब के बार नंबर 1000+ चाहिए, और उसके लिए आपको जो है ये जो भरोसा उन्होंने जो बच्चों ने दिखाया जो कि टॉप रैंकर्स रहे, वही भरोसा शायद आप भी अगर दिखाएंगे तो शायद आपका भी सपना साकार हो सकता है। कोड का यूज करना है Y738। इसकी एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट दी हाईएस्ट एंड मैक्सिमम डिस्काउंट, साथ के साथ में मैं आपकी जर्नी में स्टार्ट से लेकर आखिरी तक आपको सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करने वाला हूं, एंड दैट कैन ओनली हैपन अगर आप यूज करेंगे कोड Y738। चलिए इसी के साथ आगे बात करेंगे टेक्निक नंबर 4 की। जैसे मैंने आपको कहा कि एक्सट्रीम डिफरेंट ऑप्शंस जो है उसको आपने रिमूव कर दिया, अब बात करेंगे कि अब प्रोबेबिलिटी क्या बच गई। देखिए क्या होता है जब आप एग्जाम देते हैं तो हमेशा आपके सामने चार ऑप्शंस में से आपका ब्रेन ने अगर कुछ पढ़ा होगा, कुछ देखा होगा कहीं पे, चाहे न्यूज़पेपर में चाहे बुक में कहीं पे भी, उन चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन के ऊपर आपका ब्रेन आके अटक जाता है और वो आपको सिग्नल देता है। वो क्या सिग्नल देता है कि ये आंसर सही है, ये आंसर करेक्ट है, और उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको तुरंत उस आंसर को टिक कर देना है, ये तब जब आपको आंसर नहीं समझ में आ रहा है इन दैट सिचुएशन। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम वापस से उस पेपर के अंदर उस क्वेश्चन को वापस से पढ़ने जाएंगे, और जैसे ही आप ऐसा करेंगे शायद फिर आप गलत कर देंगे, क्योंकि ब्रेन आपको सिग्नल एक बार देता है, अगर आपने उसको कभी नहीं देखा, उस क्वेश्चन को कभी नहीं पढ़ा, तो आपको ब्रेन सिग्नल देगा भी नहीं। ब्रेन आपको सिग्नल तभी देगा अगर आपने उसे कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से देखा होगा। सो द फिफ्थ ट्रिक दैट वुड बी ट्रस्ट योर ब्रेन सिग्नल, जो आपका ब्रेन सिग्नल देता है उसे जरूर ट्रस्ट कीजिएगा। अब बात करते हैं आखिरी एंड फॉरमोस्ट चीज की, वो है मोस्ट प्रोबेबल आंसर। देखिए जैसा मैंने आपको बताया था देयर आर फोर ऑप्शंस,
और फोर ऑप्शंस के अंदर से यूजुअली एग्जामिनेशन सेट करता है एग्जामिनेशन, तो कोशिश करता है कि ए ऑप्शन ना हो, बिकॉज सबसे पहला ऑप्शन होता है यूजुअली, प्रोबेबली हाईएस्ट चांसेस होते हैं कि ए ऑप्शन नहीं होता है। बी और सी में से एक ऑप्शन मोस्ट प्रोबेबली आपके पास में ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि वो ऑप्शन आपके पास में करेक्ट मिलता है। और बी और सी में से क्या चूज करना है, बी और सी में से आपको यूजुअली जब आप बिल्कुल एकदम जीरो हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, तो प्लीज चूज बी ऑप्शन। बी ऑप्शन के चांसेस करेक्ट होने के बहुत ज्यादा होते हैं। ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, ऐसे टिप्स हैं, ऐसे ट्रिक्स हैं जिसे आप अपने मॉक्स में अप्लाई कीजिए, अपने मॉक्स के अंदर अप्लाई करके इसको चेक करिए, और कमेंट बॉक्स में अगर आपकी ये टेक्निक्स जो मैंने आज बताई हैं, अगर ये सक्सेसफुल होती हैं, इससे आपको फायदा पहुंचता है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार ये जरूर लिख दीजिएगा कि सर लव यू, हो गया यार, मजा आ गया, शायद मैं जो 20 या 30 क्वेश्चन छोड़ने वाला था, अब मैं उन क्वेश्चंस को भी सर अटेम्प्ट करके आऊंगा। अब एक चीज और बता देता हूं बेटा, अटेम्प्ट रेशियो हर क्लैट एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके पास में 120 क्वेश्चंस होने वाले हैं, 120 क्वेश्चंस आपके पास होने वाले हैं। 120 क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या करना है, 120 क्वेश्चंस के अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि यूजुअली अगर मैं बताऊं मेरिट लिस्ट के अंदर आपको आना है तो 85 प्लस आपका मार्क्स स्कोर होना चाहिए, और 85 के लिए आपका एटलीस्ट 100 आपका अटेम्प्ट रेशियो होना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है कि जो टॉपर हैं वो 85 के 85 ही सही कर आते हैं, राइट? वो भी तो कुछ 15 या 20 मार्क्स जो है उसका ग्रेस रखते हैं। तो आप क्या करिए, आप टारगेट रखिए 75 का, माय डियर चाइल्ड 75 क्वेश्चंस आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट आने चाहिए जिसके अंदर कोई डाउट ना हो। लेकिन बेस्ट ऑफ बेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद में जो बच गए, दैट इज बेसिकली आपके पास में 45 क्वेश्चंस बच चुके हैं। ये वो 45 क्वेश्चंस हैं जो कि स्टेज 3 के क्वेश्चंस हैं। इन्हें आप मेरी इस टेक्निक से एक बार ट्राई करके देखिएगा, और जरूर 100% मैं कह रहा हूं ये टेस्टेड एंड डस्टेड साइंटिफिक मेथड है। रिसर्च के बाद में जो ये मेथड अपनाया गया है वही मैंने आप लोगों को बताया, बिकॉज मैं यूट्यूब पे ये चीज कह रहा हूं तो मैं कोई भी चीज गलत नहीं कह सकता, बिकॉज देर आर एन नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एक्स नंबर ऑफ पीपल जो है वो इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो आप मेरे पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करके जरूर एक बार इसको ट्राई करें अपने मॉक टेस्ट के अंदर। जो मैंने एलिमिनेशन मेथड बताया कैसे एलिमिनेट करना है, कैसे जब आप दो ऑप्शंस पे आ जाते हो तो दो ऑप्शंस में से आपको कौन से ऑप्शन के ऊपर टिकना है, और कब कब ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव आपको ऑप्शन मिलता है, वहां पे आप किसको चूज कर रहे हैं, इन सभी चीजों को एक बार ट्राई करके जरूर देखना। और बी और सी में जब आप अटक जाते हैं तो बी कितनी बार सही होता है, ये सब कुछ आप एक बार अपने मॉक के अंदर ट्राई करके जरूर देखना। और आखिरी के जो बचे हुए जो स्टेज 3 के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें छोड़ना नहीं है, अटेम्प्ट उनको भी करना है, ठीक है भाई? और अगर आप क्लैट 2025 की तैयारी कर रहे हैं, ऑल द क्लैट एस्पिरेंट्स, दिस इज हाई टाइम। आप क्लैट की एग्जाम की तैयारी 2 या 3 महीने में नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बिकॉज रीडिंग बेस्ड पेपर है, इसके अंदर रीडिंग की हैबिट डालना बहुत जरूरी है। और अगर आप ज्वाइन करते हैं हमारा 2025 का फाउंडेशन बैच विच इज हैविंग विद ए वैलिडिटी ऑफ 13 months, जी हाँ, दिसंबर से लेके आने वाली दिसंबर तक, दैट मींस 13 मंथ्स तक की वैलिडिटी के साथ में आपको ये बैच मिल रहा है। 8th ऑफ दिसंबर से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। और अगर आप सच में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लैट क्लियर करना चाहते हैं, प्लीज यूज द कोड Y738 एंड गेट माई पर्सनल मेंटोरशिप, जहां पे मैं ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स आपको सिखाने वाला हूं। इन टेक्निक से आपको बहुत एडवांटेज होने वाला है, और इसी एडवांटेज को लेके हम जाने वाले हैं टॉप एनएलयूज के अंदर। देखिए, पढ़ाई तो इंपॉर्टेंट होती है, मेहनत तो इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको एज दिलाती हैं, वो एज दिलाने का काम मेरा है। दैट वुड आई वुड ऑफर यू ओनली एंड ओनली ऑन द कोड Y738। दिस कोड इज इक्वल्स टू विजेंद्र सर, इसके अलावा कोई भी कोड मेरे से एसोसिएटेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ Y738 का मतलब ही विजेंद्र सर होता है, ठीक है बेटा? चलिए, और मेरी तरफ से सभी को ऑल द वेरी बेस्ट आने वाले आपके एग्जामिनेशंस के लिए। हर एस्पिरेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत अच्छा सा पेपर देके आइएगा, पैनिक बिल्कुल मत करिएगा, बिकॉज जो आपने किया है वो आपने बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, टेक केयर।